बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं करेले और दाल। करेले तो आपने कीमे में खाए होंगे, बड़े करेले खाए होंगे, लेकिन दाल के साथ बहुत कम खाए होंगे या खाए ही नहीं होंगे। तो पहली वीडियो में मैंने करेलों के छिलके और कीमा बनाया था। आज मैं बनाऊंगी चने की दाल और करेले। तो इसके लिए मुझे चाहिए करेले, ये तकरीबन आधा किलो से कम है, और ये एक कप दाल है, छोटे वाला कप जो होता है, और चार प्याज हैं, दो टमाटर हैं, लहसुन अदरक पीसी हुई है, और ये मसाला है। इसमें अभी मैं डालूंगी जीरा भी, लेकिन वो उसमें डालूंगी तड़के में। ये थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से बनेगी, आप देखिएगा। हरी मिर्चें और जो लहसुन है वो तड़के में जाएगा, ऊपर से जाएगा, तो आप ज़रूर देखते रहिएगा। तो आइए सबसे पहले घी डालते हैं। करेलों को घी में सुर्ख कर लें, अच्छे से ये फ्राई हो जाए, तो फिर हम इसको ना चने की दाल में पकाएंगे। ये देखें, ये भुन रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जब ये अच्छे से लाल हो जाएंगे, इस स्टेज पे आ गए, बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं हुए और बहुत ज़्यादा कच्चे भी नहीं है, थोड़े से कच्चे पके, थोड़े थोड़े रेड हो रहे और थोड़े थोड़े ग्रीन है। तो इस पे ना हम डाल देंगे प्याज। करेलों को निकालेंगे नहीं, ऐसे करेलों को निकालते हैं करते हैं, तो प्याज को फ्राई करेंगे। तो प्याज को भी बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है ना, बहुत ज़्यादा सुरख करना है, तो हल्का सा गुलाबी हो जाए तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। ये प्याज इस स्टेज पे आ गए, अभी इसमें हम डालेंगे टमाटर। थोड़ा सा इनको साइडों में कर लेते हैं कि ये भी साथ साथ फ्राई होते रहे, तो टमाटर में भी बीच में गल जाएंगे। अब इसका हम कवर कर लेंगे ऊपर से। तो ये चीज़ें भी, नमक, मिर्ची और ये हल्दी, छोड़ देंगे। मिर्ची इसलिए कम डाली है कि क्योंकि हमने तड़के में भी जो ऊपर से तड़का लगाएंगे उसमें भी डालेंगे, तो इसलिए मिर्ची थोड़ी सी कम डाली है। बाकी आप अपने हिसाब से मसाला रख सकते हैं। इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। ये अब इसमें ना ये दाल उबाली हुई है मैंने, इसमें कुछ भी नहीं डाला, नमक और हल्दी डाली। अब इसको थोड़ा भूनेंगे हम और फिर इसको भी कवर करके रख देंगे, तो इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी अगले 10 मिनट। ये देखें, ये अच्छे से दाल, टमाटर, प्याज और करेले भुन गए। अब जो इसका स्पेशल तरीका है, तो ये देखें, ये अच्छे से भुन गए हैं सारी चीज़ें, और इंशाल्लाह ये कड़वी नहीं होंगी। अब हम इसको उतार देंगे और इसकी जगह ये रख देंगे तड़के के लिए। घी अच्छे से गर्म हो गया, अब इसमें 1 चम्मच जीरा डाला, इनको अच्छे से फ्राई करके ये करेलों के ऊपर तड़का दे देंगे। तो इसका जायका आप देखना कितना मुख्तलिफ होगा और बहुत मज़े का होगा। जैसे हम लोग दाल को तड़का लगाते हैं या कड़ी को लगाते हैं, तो ऐसे ही हम करेलों को लगाएंगे। ये देखें, अच्छे से लहसुन शुरू हो गया,
ये अच्छे से लहसुन शुरू हो गए। अब हम इसको ना ये इसके ऊपर ये होटल स्टाइल है, होटलों में अमूमन ऐसे तड़का लगाया जाता है। तो ये आप खाइएगा, बनाइएगा, लीजिए, ये तैयार है, खुद भी खाएं औरों को भी खिलाएं।